राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती से पूर्व समूचे ब्रजमंडल में स्वच्छता की अलख जगाई गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वच्छ भारत का सपना देखा था। वह चाहते थे कि देश का प्रत्येक नागरिक मिलकर भारत को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दे। इस अभियान को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत के रूप में साकार करने का संकल्प लिया है। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को 2 अक्टूबर को स्वच्छता के लिए अपना योगदान देना है। इसी अभियान का हिस्सा बनते हुए समाज सेविका सविता सिंह सौरोत ने स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान दिया। दर्जनों महिला पुरुषों के साथ हाथों में झाड़ू लेकर महावन के रमन रेती आश्रम परिसर में सफाई के लिए निकली। इस मौके पर रमन रेती आश्रम के संत गोविंदाचार्य महाराज भी स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। समाज सेविका सविता सिंह सौरोत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में जन जन का योगदान देखने को मिल रहा है। उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण के धाम में सफाई अभियान चलाकर स्वच्छ भारत का संकल्प लिया गया है। इस दौरान राकेश प्रधान, राधेश्याम गिरी, देवेंद्र सिंह, धर्मवीर सिंह, हरिमोहन शर्मा, विजय, राजीव, संजीव, रघुराज, सुनीता, भावना, पूजा, प्रियंका, ओमवती, मुन्नी रानी, नीतू सिंह, शानू आदि मौजूद रहे।